नमस्कार, ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अतुल भाई ने मैनपुरी जंक्शन से। और जैसा आप जानते हैं, मैनपुरी जंक्शन से फरुखाबाद के लिए और शिकोहाबाद और इटावा की जो लाइन है उसका रेल विद्युतीकरण का कार्य जो है आजकल वो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने मास्ट यहाँ पर डाल लिए गए हैं और बहुत जल्द अब वायरिंग का काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि फिर फरुखाबाद से जो मैनपुरी जंक्शन लाइन आ रही है और यहाँ से सफाई होते हुए इटावा और शिकोहाबाद सीधी रेल लाइन जो जा रही है, जिस पर अभी डीजल से रेलगाड़ियां ऑपरेट हो रही हैं, इन पर फिर अगले साल तक यानी वर्ष 2022 में विद्युत लोको से रेलगाड़ियां चलाने की पूरी तैयारी है, जिसके लिए बहुत जल्द अब वायरिंग का काम शुरू हो जाएगा। सामने ये मैनपुरी एटा वाली रेल लाइन का सर्वे जो हुआ था, उसके आप देख सकते हैं लाल रंग के जो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं लगे हुए, पहले उधर किया गया। ये रेल लाइन भी अब बहुत जल्द कब बनेगी पता चलेगा। तो जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, लाल रंग का जो आप झंडा देख रहे हैं वो पेड़ खिड़ेगा लाठा मैनपुरी से एटा तक की दिशा। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मास्ट इरेक्ट कर लिए गए हैं और ओएचई वैन यहाँ पर मैनपुरी जंक्शन तार के जो बंडल हैं वो लेकर के आते हुए आप देख सकते हैं सामने। तो कार्यों में अब तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे का जो लक्ष्य है जल्द से जल्द सभी रूट्स को इलेक्ट्रिफाई किया जाए ताकि तेज़ रफ्तार में रेलगाड़ियां सफ़र आपको करा सकें, समय की बचत हो, ईंधन की बचत हो। या आप देख सकते हैं तार के बंडल जा रहे हैं। तो कार्यों में अब तेज़ी आने की उम्मीद है, जो भी अपडेट होगी आगे हम आपको देंगे।